हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का चैप्टर संज्ञा, पार्ट संज्ञा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और संज्ञा के भेदों को समझेंगे और संज्ञा के और उनके भेदों के बहुत से उदाहरण से समझेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो हम संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जिसे कि हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, वही हमारा संज्ञा है। तो पहले हम संज्ञा को समझ लेंगे। व्यक्ति, व्यक्ति यानी कि किसी भी इंसान को कहते हैं हम। जैसे कि मेरा नाम प्राची है, तो मैं क्या हूँ? व्यक्ति हूँ। वस्तु, जैसे कि कोई पेंसिल हो, जैसे कि ये पेंसिल है, या किताब हो, तो वो सारी चीज़ें वस्तु हो जाएंगी। जाति, जैसे कि मनुष्य, बच्चे, या मतलब किसी भी चीज़ का ग्रुप भी नहीं, लेकिन एक तरह की जाति हो, जैसे कि हम कहते हैं सारे एनिमल्स यानी कि जानवर, तो वो सारी एक पूरी जाति है। भाव, जैसे कि मिठास या बचपन या खटास, भाव में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। स्थान, जैसे कि किसी स्थान का नाम बोलें, जैसे कि अमेरिका, भारत, जापान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, बहुत से स्थान होते हैं, या हम कह दें कि हिमाचल प्रदेश, तो कहीं भी जगह के नाम को हम स्थान कह देंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को संज्ञा कहते हैं। इधर कई एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं दोबारा। तो आशा करती हूँ आपको संज्ञा तो समझ आ ही गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं, एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैंने ली है तरुण पब्लिकेशंस बुक में से। तो ये कहानी में बहुत से नाम दिए गए हैं और इन नामों जो दिए गए हैं इन्हीं से हमें ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आ सकता है। तो क्यों ना हम इसे स्टार्ट करें। बीरबल कितनी सर्दी है, यमुना का पानी भी जम गया है। हुजूर, ठंड भी अमीरों का नखरा है, वरना गरीबों के कारण गरीब ठंडे पानी में नहाते हैं। तो तुम कुछ कहना चाहते हो कि आम आदमी ज़्यादा बहादुरी है? जी हजूर, मैं गांव के एक साधारण आदमी से साबित कर सकता हूँ। तो यह एक बातचीत दी गई है राजा यानी कि बीरबल के, बीरबल और एक और है उसके साथ, उसका कोई मंत्री वगैरह होगा। तो उन दोनों की बातचीत दी गई है। इसमें बहुत से व्यक्ति के नाम आते हैं, जैसे कि बीरबल। जो बीरबल है वो व्यक्ति है। नदी, हमने ये पढ़ा, वो क्या कह रहा है? यमुना नदी का नाम। जाति का नाम, अमीर आदमी। तो ये सारी जाति के नाम है। ये थोड़ी कहा है हमने कि अमीर कोई एक है, अमीर पूरी जाति है। आदमी कोई स्पेशल नहीं बताया हमने, तो वो पूरी जाति है। स्थान का नाम, जैसे कि गांव है, गांव तो कोई भी गांव हो सकता है, लेकिन हम स्पेशल करके बताएं जब भी वो गांव ही होएगा, स्थान का नाम होएगा। अगर हम स्पेशल ना करें, किसी गांव का नाम ना बताएं, जब भी वो स्थान का नाम होएगा। अब भाव का नाम है, सर्दी, ठंड, नखरा, बहादुरी, गरीबी, तो ये सारे भाव के नाम है। सर्दी, जो सर्दी है वो भी हम फील करते हैं, ठंड जो है वो भी हम फील करते हैं, तो वो सारे भाव के नाम है। और इन्हीं सभी नामों को हम कहते हैं संज्ञा। और इस संसार में सभी का कोई ना कोई नाम होता है, तो जो ये पूरा संसार है, संसार भी नाम ही है, तो पूरे संसार में सभी चीज़ों का कोई ना कोई नाम होता है। तो यह ही तो संज्ञा होता है। अब संज्ञा जो है, संज्ञा तीन प्रकार की होती है, उसके मतलब तीन मुख्य प्रकार होते हैं, जो है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक जो है उनको दो भागों में बांटा गया है, जो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो अब पहले हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, अर्थात वह संज्ञा जिसे किसी विशेष व्यक्ति का बोध होते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसी संज्ञा जिसमें व्यक्ति का या किसी जगह का या किसी वस्तु समान का बोध हो, वो संज्ञा क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, लेकिन ये नहीं है कि स्थान, हम गांव कहते, गांव नहीं चलेगा इसमें, हमें उस गांव के नाम बताना पड़ेगा, तो वह होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इधर कुछ उदाहरण दिए गए हैं व्यक्ति, जैसे कि नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद, रमेश, सुरेश, पूजा, आरती, रोहित आदि। सो ये बहुत से नाम दिए गए हैं। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं? व्यक्ति, हम ये नहीं कह सकते जाति जो कि मनुष्य जो है व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, इसमें बिल्कुल हमें बताना पड़ेगा कि गांव है तो गांव का क्या नाम है, व्यक्ति है तो व्यक्ति का क्या नाम है। अब जैसे वस्तु है महाभारत, रामायण, स्थान जयपुर, दिल्ली, अमेरिका, भारत आदि। सो ये बहुत से उदाहरण दिए गए हैं इधर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह भी वस्तु होते हैं, इसमें भी व्यक्ति होते हैं, इसमें भी और स्थान होते हैं। वस्तु जैसे कि मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक आदि। सो ये सारे सामान के नाम है। स्थान जो है, जैसे कि गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी आदि। तो हमें ये हो सकता है कि हमें कंफ्यूजन हो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो व्यक्तिवाचक जब हम उनको बिल्कुल बताएं, उसका एग्जैक्ट पॉइंट बताएं, जैसे कि गांव है तो गांव का नाम बताएं, स्कूल है तो स्कूल का नाम बताएं, शहर है तो शहर का नाम बताएं, जैसे कि शहर है तो जयपुर। लेकिन जातिवाचक में हमें शहर ही रहना चाहिए। हम जयपुर कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक होएगा, शहर कहेंगे तो जातिवाचक होएगा। तो जातिवाचक में पूरी संपूर्ण जाति आती है और व्यक्तिवाचक में हमें बताना पड़ता है, उसमें वो बताना पड़ता है किसी विशेष चीज़ को दिया गया होता है व्यक्ति संज्ञा में। सो जातिवाचक संपूर्ण जाति और व्यक्तिवाचक विशेष। अब हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा के दोनों भागों में, जो हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा।
तो अब समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? वह शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह होने का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जो समूहवाचक संज्ञा होती है वो किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह के बारे में बोध करती है। समूह यानी कि ग्रुप, ग्रुप जो होता है हमारा, जिसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन्स, सो ये हमारी समूहवाचक संज्ञा है। जो समूहवाचक संज्ञा होती है उसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। और झुंड, मेला, इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। झुंड, मेला, परिवार, दल, सेना, कक्षा, मेला, भीड़, टुकड़ी, पुस्तकालय आदि। सो ये सारे शब्दों में हमें समूह का पता होने का, समूह के होने का पता चलता है। तो यही है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में बस समूह होता है, किसी भी चीज़ का ग्रुप, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा परिभाषा और उदाहरण दोनों हैं। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु, अधातु व द्रव का बोध करते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। सो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी भी पदार्थ, किसी भी धातु या अधातु या द्रव, किसी भी चीज़ का, जैसे कि कोई भी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में हो, या ऐसी चीज़ जिसको हम संख्या में गिन नहीं सकते हैं, किस चीज़ में संख्या में नहीं गिन सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये लिक्विड भी हो सकता है, और लिक्विड नहीं तो ठोस भी हो सकता है। तो पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो लिक्विड हो, ठोस हो, कैसे भी हो, तो जैसे कि कोयला हो, पानी है, तेल है, घी है, लोहा है, सोना है, चांदी है, हीरा है, और बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन एक स्पेशल चीज़ होती है इनमें कि हम इनको गिन नहीं सकते। अब हम घी को लेते हैं, घी की हम चम्मच से तो गिनेंगे नहीं, हमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता चलेगा उससे। अब चीनी है, चीनी का एक एक दाना तो गिना नहीं जा सकता, तो वो भी तोला या नापा जाता ही नहीं, गिना नहीं जाता। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब आती है हमारे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऐसा कोई शब्द जो किसी पदार्थ या किसी चीज़ का की अवस्था या उसकी दशा, या हम कह सकते हैं भाव, सिर्फ हम भाववाचक संज्ञा में ये भी याद रख सकते हैं किसी भी चीज़ का भाव, तो वही है भाववाचक संज्ञा। किसी भी चीज़ का भाव जो होता है, मतलब उसका जो हम देखना चाहते हैं, जैसे कि हम कभी कहते हैं बुढ़ापा, मिठास, मिठाई जो होती है उसमें क्या होता है, मिठास होता है। तो ये हम किसी मिठाई है, वो एक चीज़ है, तो खाने की चीज़ है, तो अब हम उसका भाव बता रहे हैं कि वो मिठी है, मिठास है उसमें। तो किसी भी चीज़ का दशा, मतलब उसकी हम दशा बताते हैं कि वो कैसे कैसा है अभी। अभी जैसे कि हम किसी के बारे में बोलते हैं बुढ़ापा, तो उसकी दशा कैसी है, उसकी अवस्था कैसी है, यहाँ हम कह सकते हैं भाव कैसा है। तो यही हमारा भाववाचक संज्ञा है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, बाय।